बरी ब्लॉक परिसर रे सहसा चूड़ा बस्ता फिंगा घटना को नहीं आज एक सांबादिक सम्मेलन रे बरसिले बरी बीजेपी नेता विश्वरंजन मल्लिक गतकाली छुट्टी दिन थाईबी बरी ब्लॉक परिसर रे एक परित्यक्त पोखरी रे बस्ता बस्ता चूड़ा फिंगा जाउथिबार देखिबा को मिलथिला। आज से चूड़ा बस्ता को सकाळ सकाळ पोड़ी दे जेथिला। ए चूड़ा विपर्य समय विपन्न मान देवाय कौन व्यवहार करान जाए फिंगा जाए ताकू नहीं आज स्वर उठाई बरी बीजेपी नेता श्रीजुक्त मल्लिक। निश्चित भाव में देखो कल जो शह शह क्विंटल चूड़ा गुड़ पोखरी पोतले बड़ दुर्भाग्यजनक कथा बरीवासी गरीब लोक क्षतिक्षम आूड़ा गुड़ प्रशासन से खाद्य न जोगाई से माने जो हैरान रे हरकत हो हरकत रे रोते बनिया समय रे खाइबा न पाई से चूड़ा को चोरी करिबा उद्देश्य रे से चूड़ा को रखिथिले चोरी न होई पाइला परे वर्तमान से चूड़ा को से माने पोखरी रे छुट्टी दिन रे पोतिबा को उद्यम आरंभ करछन्ती। निश्चित भाव चोरी करिबा उद्देश्य रे बरी प्रशासन ए चूड़ा को रखिथिला आपण मानक माध्यम रे मुकाल कलेक्टर आउ पीटीओ कर रिएक्शन देखुथिली से माने कोथिले 2011 रो चूड़ा से 2011 रो हो बा 2001 रो हो जे जो से टाइम रे जो वीडियो दायित्व रे थिले तांको टू ए पैसा आदे करा जाउ आईन माने से माने आईन को हाथ को नैथिवारु तांको आईन अनुसार तांको दंड दिया जाउ नचेत 10 दिन भीतर जदि कलेक्टर एठी इंक्वायरी न करै लोक मान को न जनाती ये चूड़ा कौन पर रखाई को उद्देश्य रखाई ताको कौन पर फिंगिले ताले आमे माने भारतीय जनता पार्टी तरफ रु आम राजरास्ता को ओल्लू बरी ब्लॉक को बंद कर। ये चूड़ा आम डिस्पोज कर 2011 मसीह फ्लावर्स में चूड़ा आसाला जो चूड़ाटा गोटे बीएमआरजेसी बिल्डिंग बैंक सामने गच्छा गोटे रूम्रे से पोको गंध बाहर पर इन्स्पेक्शन मुझे कल देख ली रूम्रे गंध अच्छे और मत जमा पड़ा कि चूड़ाटा पुराना स्टॉक चूड़ा डिस्पोज हो रही है मुझे जिलापाल महोत्सव को लिखी अंगद पटेल ओडीएम थ्रु तो यहाँ डिस्पोज करा परमिशन दि जाए ओडीएम सार निजे आस गए भिजिट कर जाते फेब्रुआरी मसने एवं कलेक्टर सर गोटे जॉइंट टीम एंटर कर दबा रिपोर्ट देते से आमर फुड सेफ्टी अफिसर जाजपुर फुड सेफ्टी अफिसर एवं एसीएसओ वीडियो भरी तीन जन जॉइंट रिपोर्ट जाता है चूड़ार बर्तमान पक लगे आ नष्ट ना एमती नष्ट ना डिजीज पेड होवार संभावना अच्छे कम जस्ट बैंक सामने से रूमटा अच्छे से पब्लिक डेली जुआसा कर जिलापाल महोदय परमिशन देते 22 मार्च डिस्पोज करने परमिशन देलापर आम कहीं कल बाहर काढ़ी आज सीटा को प्रत्येक डिस्पोज कर चूड़ाटा जो मुझ अगस्ट 5 2020 जॉन कलापर मुझे जाना पाइल डेट स्टक किसी अच्छी पेंडिंग मुझे मैटरटा टेकअप करी आनुमानिक जो चूड़ा बस्ता फाटी जाइए से सब चूड़ा स्पिल हो जाए तेनाली से आनुमानिक 15-20 क्विंटल आगे आनुमानिक जना पड़े साधारण लोक आसा चूड़ा साधारण लोक पैसा भी आसा चूड़ा तो सरकार बांटे देखते नष्ट हो चूड़ा पब्लिक सेफ्टी डिस्पोज करने जिला प्रशासन परमिशन आगला पर मुझे करें आज अधिक मैं कौन कर चार चार आलोचना करना।
ତେବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ ଟୋଟାଲ ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି ମାନେ କୌଣସି କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ ଅନୁମାନ କହୁଛନ୍ତି? ଆପଣ କ'ଣ ଦାବି ଯେହେତୁ ଆପଣ ଜଣେ ପ୍ରଶାସନ ତାର ଲୁଚେଇକି ରଖିଥିଲା କି ସେତେବେଳେ କୋଭିଡ ହୋଇଥିଲେ ସେ ଲୁଚେଇକି ରଖିଥିଲେ, ଆମେ ତାର ନ୍ୟାୟ ଚାହୁଁଛୁ, ଆଦିବାସୀ ନ୍ୟାୟ ଚାହୁଁଛୁ, ଯଦି ଯାହାର ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିବ ଆମେ ତାକୁ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ବିଡିଓ ଶିବାନନ୍ଦ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ପଚାରିବାରେ ଏ ଚୂଡ଼ା 2011 ମସିହାରୁ ଗଚ୍ଛିତ ଥିଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଗଚ୍ଛିତ ରହିପାରୁ ଚୂଡ଼ାରେ ପୋକ ହୋଇଥିଲା। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରି ବିଡିଓ ଜିଲ୍ଲା ଅତିରିକ୍ତ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ଓ ଜିଲ୍ଲା ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମିଳିତ ତଦନ୍ତ କରାଯିବା ପରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି। ହେଲେ ବରୀ ବ୍ଲକ ଜିପିଓଙ୍କୁ ପଚାରିବାରେ ସେ କୁହନ୍ତି ଚୂଡ଼ା ଗଚ୍ଛିତ ରହିଥିବା ଘରଟିର ନିର୍ମାଣ କାମ 2014 ମସିହାରେ ସରିଥିଲା। ତେଣୁ ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, 2014 ମସିହାରେ ଘର କାମ ସରିଥିବା ବେଳେ 2011 ମସିହାରେ ସେହି ଘରେ ଚୂଡ଼ା ରହିଲା କିପରି? 2011 ମସିହାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ବନ୍ୟା ହୋଇଥିଲା। ଲୋକମାନେ ଭୋକ ଉପାସରେ ମୁଠାଏ ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବିପନ୍ନଙ୍କ ପାଖରେ ସେତେବେଳେ ବିଜେପି ନେତା ବିଶ୍ୱ ମଲ୍ଲିକ ବେକେ ପାଣିରେ ପଶି ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ବାଣ୍ଟିଥିଲେ। ତେବେ ସେ ସମୟରେ ଏ ଚୂଡ଼ା ଯଦି ଥିଲା, ବଣ୍ଟା ହୋଇନଥିଲା କାହିଁକି? ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁ ମସିହାରେ ଚୂଡ଼ା ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଥିଲା? ଶହ ଶହ ବସ୍ତା ଚୂଡ଼ା କାହା ଇଙ୍ଗିତରେ ରଖାଯାଇଥିଲା? ଗରିବଙ୍କ ବିପଦ ବେଳରେ ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ଏମିତି ଖେଳ ଖେଳିଲା କିଏ? 8 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ସଠିକ୍ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନହେଲେ ପରେ ବିଜେପି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ବୋଲି ବିଜେପି ନେତା ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ ଏକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସମ୍ମିଳନୀ ଜରିଆରେ କହିବା ସହିତ ଏ ଘଟଣାକୁ ଘୋର ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ଯାଜପୁର ପରିରୁ ଶର୍ମିଷ୍ଠା ଦ୍ୱିବେଦୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓମକାର ଟିଭି।